हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ लच्छा पराठा कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने मैदा ले लिया है और मैदे में रिफाइंड ऑयल डाल के थोड़ा नमक डाल के और मैंने एक डो बना लिया है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं। अब हम इसको कैसे बेलते हैं इसका तरीका मैं आपको सिखाऊंगी। इसके लिए हमें पहले इसके लोइयां बनानी पड़ेगी। तो हम पहले लोइयां इस साइज़ की बनाएंगे, छोटे से बॉल के आकार की ऐसे हम लोइयां बनाएंगे। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें कैसे इसको बेलेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम एक लोई लेंगे, इसकी लोई बना लेंगे, इसके जैसे हम रोटी का साइज़ होता है ना वैसा बेल लेंगे। इसके लिए हो सकता है आपको थोड़ा ऑयल की भी ज़रूरत पड़े। जैसे दोनों तरफ से ऑयल लगा के हम इसको जैसे पतली रोटियां बेलते हैं ना वैसे बेल लेंगे। पहले ये अगर अभी गोल भी ना भी बने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बस इसको रोटी का आकार के बेल लें। ये हमारी बेल गई। अब हम इसको जैसे हम अपने बचपन में फैन बनाते ना, पेपर फैन वैसा फोल्ड करेंगे। ये देखिए, हम जैसे फैन फोल्ड करते हैं ना पेपर, वैसे हमने फोल्ड कर लिया। अब इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे और स्ट्रेच करने के बाद इसको ऐसे इधर से रोल करेंगे। ये हमने ऐसे रोल कर लिया। अब इसको नीचे रखिए, देखिए हमारे बिल्कुल रोज़ के जैसी दिख रही है। अब ये करने के बाद हम इसको अच्छे से प्रेस करेंगे और अब हम इसे बेल लेंगे। अब हम इसे थोड़ा सा पतला बेलना है हमें। अब देखिए, आपको ये रिंग्स दिख रहे हैं ना, ये बिल्कुल वैसे ही लच्छा पराठे में जो रिंग आता है वैसे आ गया। ऐसा अब हम इसको अच्छे से बेल लेंगे। आप अगर मैदा अवॉइड करते हैं तो मैदा में थोड़ा सा आटा भी मिला लें और फिर बनाएं। ये देखिए हमारा बेल गया। अब हम इसको तवे पर डालेंगे। अब हम इसको पलट लेंगे। ये देखिए, इधर हमारा पक गया। अब हम इसको पराठा है तो ऑयल ब्रश करेंगे। देखिए हमारा कितना अच्छा सब पक गया है ये। ये दूसरी तरफ कितना अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ गया है इसमें। ये हो गया रेडी हमारा लच्छा पराठा। लास्ट वीडियो में मैंने जो आपको चिकन करी सिखाई थी, लेमन पेपर चिकन, उसके साथ ये बहुत ज़बरदस्त लगता है, आप ज़रूर ट्राई करिए। आइए मैं आपको दिखाती हूँ कैसे लच्छा पराठे कैसे बने हैं, लेयर्स इसके कैसे आए हैं। ये देखिए कितने अच्छे से लेयर्स आ गए। तो आप ऐसे ज़रूर बनाइए, बना के ट्राई करिए और मुझे बताइए कि कैसा लगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।